है। चलो बच्चों, तो आज जो है हमारा क्लास सिक्स जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम, और चैप्टर का नाम जो है वो है एवरेज। तो एवरेज का जो था आज मॉक टेस्ट था, और मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बच्चों को दिए थे उन्हीं के बेसिस पे जो है आज उनका सलूशन होगा, ठीक है, जो आपका टेस्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज 496। जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था कि 5 मल्टीप्लाई बाय 496, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, 6 5 30 3 कैरी, 9 5 45 45 और 3 48, ठीक है, 4 कैरी, 4 5 20 20 और 4 24, ठीक है। फिर आगे है इफ टू ऑफ देम आर 117 एंड 140। अब टू ऑफ देम कितने हैं, टू ऑफ देम आर 117 एंड 140। तो जब इनको सम करते हैं 117 प्लस 140, तो ये आता है अपना यहाँ पे 7 1 और 4 5 257, ठीक है। मुझे पता है जिस जिसके सही हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग थ्री नंबर्स, मतलब जो बाकी के बचे हुए तीन नंबर है उनका एवरेज क्या है। तो आपने क्या करना है, एवरेज निकालने से पहले आपने ये चीज करनी है कि ये जो नंबर आया है वो आपने 2480 में से माइनस कर देना है, ठीक है। 10 में से 7 के 3, यहाँ पे 7 रह गया, 5 के तो 2, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो एवरेज आपके पास 3 की निकालनी है, तो आपका 2 2 2 3 डिवाइडेड बाय 3। वही किया था, 3 1 3 3 7 21, 1 बच गया, 3 4 12 और 1 12 नहीं होता, 12 12। आप किस स्कूल में हो, उस स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं। मैं जो चीज बोल रहा हूं, जो अगर आपको कोई चीज बंदा सिखाता है तो आप चीजें सीखो, अगर आप गलत बोल रहे हो उसको करेक्ट करो। ना ही सिक्स होता है, सिक्स होता है, नाइन नहीं होता, नाइन होता है, 12 नहीं होता है, 12 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका आंसर है 741, सी पार्ट। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर टू। इसका बच्चा पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो अब जो है सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर टू है द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 360, ठीक है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यू, इन्होंने बोला मैंने आपको ये कराया था 360 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, तो ये आया था 300। फिर आपको बोला है देन द एवरेज विल बी, तो एवरेज आपने निकाली थी कि 300 डिवाइडेड बाय 20, ये और ये कैंसिल, 2 1 2 15, तो 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अभी तक दो क्वेश्चन, और अब आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। बाद में ले आना ना, पहले मैं पढ़ा रहा हूं, कर रहे बाद कहां जा रहा है पेपर आपका। अच्छा, उसके बाद है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट स्कोर्स। अब आपके पास दिया हुआ है नंबर 5 6 7, 434 323 290 401, इन सब को जमा करना है। इन्होंने बोला कि एवरेज निकालनी है, 1 3 4 8 8 और 7 15, 1 कैरी, फाइंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट स्कोर, एवरेज निकालना था इसका है। चलो कोई नहीं, अभी तक इसका यही आएगा, ठीक है, 403 आता है, ठीक है, 403। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर है द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नंबर इज,
तो इवन नंबर पहले 5, 2, 4, 6, 8 और 10, इनका एवरेज निकालना है। 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30, 30 अपॉन 5, तो 6, आंसर इज 6, सी पार्ट। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमेशा यही होगा, जब भी आपका पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग लाइव आके आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों में डाउट भी रहता है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। 140 प्लस 135 प्लस 142 प्लस 138 और प्लस 140, ये भी एवरेज निकालने, एवरेज हाइट निकालनी है, ये हाइट दी हुई है। अच्छा, 8 टू 10 515 1 कैरी, 4 3 7 7 4 11 3 14 14 और 4 18 1 19 1 कैरी दोबारा से, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 7, क्यों 7 आता है, कैरी 1 दिया ना, तो यहां पे क्या 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है, तो 5 1 जा 5, ठीक है, यहां पे कितना रह गया 1 बच गया इधर, ठीक है। अच्छा, कितना आया था, 5 1 जा 5, ठीक है, 1 बच गया, 5 कितने, 5 3 जा 15, ठीक है, उसके बाद कितना बच गया, 4 5 9 जा 45, तो 139 जो होगा आपका एवरेज हाइट आएगी, ठीक है, सी पार्ट, ठीक है जी। आप आओ क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे साथ साथ में लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे लिखा है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स इज 800, पहले 7 महीनों का जो एवरेज है वो है 800, कितना आ गया 56 फिर उसके बाद बोला है एंड फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स इज 900, ठीक है, ठीक है, फिर इन्होंने बोला है फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स इज 900, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 900 इक्वल टू 4500, इन्होंने बोला है नेक्स्ट फाइंड इज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, 5600 प्लस 4500 कितना आ गया 00, 5 और 6 11, 1 1 कैरी तो कितना हो गया 1015 100, तो आपने डिवाइड करना कितने से, 841, और ये जब आप डिवाइड करते हो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 841 2/3, ठीक है, आंसर इज डी। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द लेंथ ऑफ 5 पीसीज ऑफ अ स्ट्रिंग आर 5.2 6.3 7.2 6.3, सबको जमा किया, अब कॉमा नहीं लगाओगे तो जमा कर दो यहाँ पे, प्लस 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 और प्लस डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या है 3 2 5 3 8 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 6 7 13 13 6 19 19 और 5 24 24 और 5 31 और 21 सीधा 6.0, तो 6.0 बी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, हमेशा यही होगा आपका, हमेशा कि यहां पे लिखा है एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैचेस ऑफ अ क्रिकेट, एक मिनट, क्रिकेट प्लेयर वाज 45.6, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 45.6, इफ द एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 6 मैचेस वाज 48,
इन्होंने बोला है फर्स्ट सिक्स मैचेस में कितना आएगा 48 कितना आता है 8 6 48 फोर कैरी 24 4 28 या आ गया इतना और इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास सर 4 5 6 ठीक है 456 जो होगा ये आएगा। उसके बाद इन्होंने बोला फाइंड द एवरेज स्कोर इन लास्ट फोर मैचेस ठीक है। अब देखो 10 का ये था 6 का ये आ गया आपने क्या करना है 456 माइनस 288 ठीक है कितना आएगा 16 में से 8 जाएगा 8 यहाँ पे कितना 4 इधर से इधर कैरी लोगे 14 14 में से 8 गया 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 168 ठीक है 168 और आपका यहाँ पे बोला गया है एवरेज तो आपने कितने का निकालना है डिवाइडेड बाय 4 तो 4 1 4 4 4 16 4 2 8 42 इज योर आंसर ए पार्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एवरेज ऑफ 8 6 0 प्लस 9 प्लस 7 ठीक है 7 और 9 16 6 22 और ये आ गया 30 डिवाइडेड बाय 5 6 आंसर ए पार्ट ठीक है। अच्छा जी अब आ जाओ हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आता है 75 इफ द अदर बॉय ऑफ 15 ईयर ज्वाइन देम अगर एक और जो है 15 साल का ज्वाइन हो जाता है कितने बॉयज का हो जाएगा हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 5 और प्लस 1 6 हो जाएंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा सर 15 इज योर आंसर डी पार्ट ठीक है। तो आज का आपका जो मॉक टेस्ट था वो यही था 10 क्वेश्चंस का था और 10 क्वेश्चन जो थे चैप्टर नंबर 11 में से थे और एवरेज चैप्टर का नाम था ठीक है। तो बच्चा जिस किसी को दोबारा से सॉल्यूशन देखने होंगे एक बार वीडियो देख लेना ठीक है।